नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ हरी मिर्ची की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश है, इसे ठेचा के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप किसी में भी खा सकते हैं, जैसे रोटी के साथ या दाल चावल के साथ। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और इसे मैंने किस तरीके से बनाया है, तो आइए देख लेते हैं। 5-6 लहसुन की कलियों को छील करके रख लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च को धो करके और उसका डंठल तोड़ लिया है। और ये थोड़ा सा तेल लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा और मूंगफली को भून करके और इसका छिलका उतार करके रख लिया है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये गैस पे हमने पैन रख दिया है और गैस बंद कर देंगे तेज फ्लेम में। और इसमें डाल देंगे तेल, हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, इतना ही डालना है। और तेल को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। तो जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डाल देना है जीरा, थोड़ा सा हिला लें इस तरीके से। और अब डाल देंगे हरी मिर्च और लहसुन, इसे भी थोड़ा सा इस तरीके से हम हिला देंगे। और अब डाल देंगे मूंगफली, नमक स्वाद के अनुसार, ऐसे ही इस तरीके से भून लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए सारी सामग्री हमारी भून गई है, हमें इतना ही भूनना है, ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसको हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तो ये एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें हमें डाल देना है ये जो हमने भून करके रखा है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने पीस लिया है चटनी को इस तरीके से। इसको दरदरा ही पीसते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं पीसते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे आप फ्रिज में रख करके 7-8 दिन तक खा सकते हैं। रोटी के साथ खाइए या दाल चावल के साथ, किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो ये देखिए हमने इसे सर्व कर लिया है। तो ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश ठेचा की रेसिपी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिलें।